आज मैंने 15 दिन बाद फोन उठा होगा शूट करने के लिए। इतना गर्मी है ना, देखो शक्ल देखो मेरी, पूरा पसीने ही पसीना हो रहा है, इतना गर्मी है सच्ची में, बिकट गर्मी है, बिकट वाली। पंखा कूलर सब फेल है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गांव, मतलब ये आ गए थे कानपुर से यहाँ पे, और ये अपने घर पे भी हो आए और आम वाम भी ले आए, बट मैंने कुछ शूट नहीं करा है तब से, मम्मा के एनिवर्सरी के बाद से मैंने कुछ नहीं शूट करा। ऐसे ही मन नहीं कर रहा था यार, ऐसे ही नहीं मन कर रहा था बस। तो आज हम लोग जा रहे हैं गांव, ये नहीं जाएंगे बस, मैं और पापा मम्मा ऐसे बस ये सब जाएंगे गांव में जाके थोड़ा सा मजा करते हैं। मजा क्या करते हैं यार, गर्मी बहुत है सच्ची में, खुजली हो रही है इतनी तेज, सड़क है बिल्कुल, बहुत गर्मी है सच्ची में, बहुत बारिश हो भी जाती है ना उसके बाद भी गर्मी रहती है, सड़ी वाली गर्मी हो रही है। पूरा किचन में अभी भीग गए थे पसीने में, तो अभी देखो वो जाता कि नहीं जाता, उसको नहलाती हूँ जाके, वो जाएगा तो ठीक है, नहीं जाएगा तो अच्छी बात है, यहीं रहे आराम से, तो वो उसको नहला दूँ और मैं रह गई हूँ नहाने के लिए, मम्मा नहा रही है, तो आपको मैं मिलूँगी नहा धो के थोड़ा सा। तो अभी हो गए हम रेडी, और लल्ला भी रेडी हो गया, और मैंने कल पार्लर वाले को बुलाया ना, वो आई नहीं, इतने बाहर निकल रहे हैं फिर भी निकल रहे हैं, पता नहीं क्यों, दवाई खाने के बाद पाउडर लगा लिया यार मैंने, इतना तेज़ गर्मी लग रही है। और ये उनमें से है जो कि मैंने नया लिया है यहाँ पे, और मैं लोअर पहन के जा रही हूँ मैंने जींस वींस नहीं पहनी, लोअर पहनी है। और ये भी जा रहा है, नहीं इसको जाना ज़रूरी है, इसको मम्मा यहीं छोड़ रही थी, ये रह नहीं रहा है यहाँ पे, नहीं मम्मा चलूँगा तुम, मम्मा तुमको यहीं पे छोड़ देगी, छोड़ देगी यहीं पे ना। तो हम हो गए रेडी, और ये है मेरा लोअर ये, और ये भी न्यू है जो कि अभी 2 दिन पहले शायद पापा ने दिलवाया है, और उससे पहले शॉपिंग करी थी तो मैंने शूट नहीं करा था, मतलब जीन्स वींस खरीदी थी तब मैंने शूट नहीं करा था, जब इसके कपड़े खरीदे थे तब बच्चू मल गया से, तो तब मैंने शूट नहीं करा था कुछ भी। और मैं थोड़ा क्लेचर और लगा लूँ क्योंकि बाल ऐसे खोले नहीं जाएंगे मेरे को भैया, बिकट गर्मी है, गर्मी है बंदा। चलो कहाँ पे बाहर अभी हम लोग रुक गए हैं रास्ते में, और ये है एक ढाबा जिस पे हम लोगों ने खाना खाया था सबने, और यहाँ पे मतलब मेरे मम्मा पापा जब भी जाते ना तो यहीं पे खाना खाते हैं इसी वाले ढाबे पे, क्योंकि इसका थोड़ा सा खाना अच्छा है। और अभी हम लोग पहुँच गए हैं गांव वाली रोड पे, और ये है मेरा पुराना वाला घर जिसमें हम लोग पहले सब लोग साथ में रहते थे, और यहाँ पे मेरा लल्ला आपको नंगू नंगू सा दिख रहा होगा बिकॉज इतनी गर्मी थी ना सच्ची में, मैंने उसके कपड़े टी शर्ट उतार दी फिर भी उसका पसीना टपक रहा था, जैसे मेरा टपक रहा था वैसे उसका टपक रहा था पसीना, तो मैंने उतार दिया, मैंने कहा आप खेल ले भाई। और ये है मेरे चाचा का, छोटे वाले चाचा का बेटा, तो वो अपने खेत में से मूंगफली तोड़ के लाया था, वैसे हमारे खेत में भी है लेकिन वो अपने वाले खेत में से तोड़ के लाया था थोड़ी सी, मम्मा ने मंगाई थी, तो ये इतनी मूंगफली है और वो पेड़ों में से निकाल रहा है, मतलब इसको तो निकाल के फिर हम लोग ऐसी मूंगफली को लेकर आए थे, इतनी मूंगफली लेकर आए थे घर पे आगरा, और मैं तो खाती नहीं हूँ, मम्मा और पापा को भैया पसंद है तो वही दोनों खा रहे थे। और रास्ते में हो रही है बारिश, जगह जगह पे बारिश हो रही थी, और हम लोग लौट रहे हैं घर पे अभी आगरा।
गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी हो रही है बारिश, कल भी हो रही थी, कल मैंने आपको दिखाई थी, उसके बाद से मेरा कुछ नहीं दिखाया। अभी बारिश हो रही है और अभी बज रहे हैं 7:30 सुबह के, और ना मैं ना मोटी हो गई भर से खा खा के फिर से मोटी हो गई मम्मा के पास रह के और फिर खा खा के। तो परसों आई थिंक मैंने छोले भटूरे फिर से बनवाए थे, फिर वो खाए, फिर कल मैं मार्केट चली गई थी थोड़ा सा, और शाम को बारिश बंद हो गई थी तब, तो वहाँ से कुछ थोड़ा बहुत लेके आए, और उसके बाद मैं वहाँ से मार्केट से छोले कुलचे लेकर आई। बहुत दिनों बाद खाए मैंने छोले कुलचे, और छोले कुलचे दिल्ली में मिलते हैं ज़्यादातर, आगरा में मिलते हैं थोड़ा बहुत मिलते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं मिलते हैं, लेकिन दिल्ली में ज़्यादा मिलते हैं। तो कल मैंने वो खाए बट उतना टेस्टी नहीं था यार, और मैंने बाल भी कटवा लिए थोड़े थोड़े से, और मैं पार्लर वाली अपनी बुलाई थी, वो आई, फिर बाल थोड़ा थोड़ा काटा मैंने, आगे कर कटवाया, बस बाल बचते ही नहीं है यार, और कुछ नहीं यार। अभी जा रहे हैं घर पे, मतलब घर पे मतलब कानपुर जाएंगे, तो 10-11 बजे तक निकलेंगे, 10-11 बजे तक निकलेंगे, और मम्मा भी निकलेगी, इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी निकल रहे हैं, नहीं तो 2-3 बजे तक निकलते, तो मम्मा भी चली जाएगी फरकाबाद, हम चले जाएंगे कानपुर। और बारिश हो रही है, कितनी अच्छी अच्छी बारिश हो रही है, ये ऐसा मौसम इतने दिनों से नहीं था, 1-1.5 महीने से ऐसा मौसम नहीं था, जब से मैं रह रही हूँ तब से इतनी गर्मी थी भैया। जिस दिन हम गाँव गए थे ना, उस दिन मेरे को गर्मी का एहसास हुआ, गर्मी क्या होता है इतना भयंकर वाली गर्मी थी, पूछो ही मत बस। तो अभी हम जा रहे हैं, मम्मा ने कचौड़ी बना दी है दाल वाली, मैंने कह दिया था मम्मा को, तो मम्मा ने सुबह भी बना दी, अभी जाते हैं ब्रश ब्रश करते हैं आके, पहले पानी वानी पी लूँ मैं दवाई खा के, उसके बाद ब्रश कर लूँ। हाय गाइस, अभी मैं नहा के आ गई हूँ और लल्ला को भी नहला दिया, इधर देखो, और लल्ला न्यू पहने हैं, मैंने उसको पहले वाला पहना दिया था, तो मम्मा ने कहा नहीं जो कल लेकर आया वो पहना उसको, ये नाइट ड्रेस है ये नाइट ड्रेस है, बट मैंने उसको भी पहना दिया था, मेरी नाइट ड्रेस। हाँ, इसके साथ एक लोअर भी था, मतलब 3 का पेयर था ये, तो कल ही लेकर आया है इसको, और सामान मेरा देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या कहाँ से, ये तो अभी इतना इधर लगे, ये तो अभी बस वो है जो कपड़े वपड़े वाला है, और जो वैसा सामान है ना जैसे आटा चावल आलू प्याज वो सब उधर रखा हुआ है। अब तुम पिट जाओ, मेरी गंदी बात करो, बादल देखो कितना तेज आ गया है वो। बारिश हो गई तो तुम्हारे ऊपर भीग जाओगे तुम, तो हम लोग निकल लिए हैं आगरा से, और 12 बज गया था आई थिंक निकलने में हम लोगों को घर से, और ये आगे आगे वाइट वाइट कलर की जो गाड़ी जा रही है वो पापा की जा रही है, पापा आगे जा रहे हैं और हम लोग पीछे पीछे जा रहे हैं, तो क्योंकि हम लोग एक्सप्रेस वे से चढ़ जाते हैं तो फिर पापा अलग रोड पर चले जाते हैं, हम लोग इधर एक्सप्रेस वे पर चढ़ जाते हैं। तो ये आगरा लखनऊ का एक्सप्रेस वे है, और यहाँ पे मेरा लल्ला आ रहा है मैक्रोनी, क्योंकि इसने बनवाई थी कि नहीं मम्मा मेरे को बना के लेके चलो गाड़ी में, इसको गाड़ी में ही खानी होती है, तो यहाँ पे ये खा रहा है मैक्रोनी। बाहर निकल के फूट जाओगे। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं कानपुर, लगभग पहुंचे नहीं है 35 किलोमीटर के आसपास होगा, और लल्ला अभी सो के उठा है और ये खाने लगा है, और हम लोग ले रहे हैं बुंटा, बहुत हैंग कर रहा है यार, इतना हैंग क्यों कर रहा है, और बारिश हो रही है बहुत तेज, क्यों नहीं खा सकते तुम, तो खाते हो गरम गरम घुंटा, घुंटा कह रहा है घुंटा,
वैसे तुम खूब खा लेते हो, नानी के साथ तो बहुत खाते थे। हाय गाइस, तो हम लोग पहुंच गए थे 4 बजे और जो 7:30 बज गया अभी, और जो मैंने घर की हालत देखी है ना, सच्ची में मेरा दिमाग ख़राब हो गया। इतना गंदा घर। मैं जब से आई हूँ 4 बजे से, तब से लगी हूँ, 7:30 बज गया अभी। नहा के आई हूँ दोबारा और मैं जा रही हूँ। यहाँ फैला पड़ा, ये देखो आम था वो, उसमें से कार्टन में से खोल दिया क्योंकि ख़राब हो रहा था, नहीं तो फिर ख़राब हो जाता। और मेरे बैग्स मैंने अंदर उठा के रख दिए, पूरा बाहर धुलाई करी है, सब पोछा किया है। इतना गंदा था सच्ची में, मैं तो थोड़ा सा बाहर जा रही हूँ, ये नीचे भाभी को दे देती हूँ पहले, उसके बाद मिलती हूँ आपको।